बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका गार्डनर दोस्त, आप देख रहे हैं गार्डन जोन। आज हम फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्लांट के साथ। आज हम फिर आपको इस पौधे के पर मुकम्मल गाइड करेंगे, इस पौधे को किस तरह लगाना है, कहाँ पर लगाना है, इस पौधे की केयर किस तरह करेंगे। प्लांट लेके आए हैं हम आपके लिए, हम आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। पौधे की मुकम्मल जो है प्रोपेगेशन, वाटरिंग, इंडोर रखना है या आउटडोर रखना है, इसके बारे में मुकम्मल गाइड करेंगे आपको। ये एक इंडोर प्लांट है, इसको रेबिश बोलते हैं। इस प्लांट का एक और नाम भी है, इसको लेडी पाम भी बोलते हैं। ये एक एयर प्योरीफायर है, इसको हम इंडोर यूज़ करेंगे, यानी कि हम इंडोर में लगाएँगे। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वाटरिंग के बारे में। इसको पानी की जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वाटरिंग इसकी कम करनी है। वाटरिंग की तब करनी है मुकम्मल ड्राई हो जाए, इसकी सॉइल जो है मुकम्मल ड्राई हो जाए, फिर अच्छे से पानी स्प्रे करना है और इसकी वाटरिंग का अच्छे से करनी है। इसकी जड़ें काफ़ी नीचे होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं। हमने जब भी इसको वाटरिंग करनी है तो फिर अच्छे तरीके से इसको पानी लगाना है कि इसकी जड़ों में नीचे से जो हमने जिस पॉट में लगाया हुआ है उस पॉट में इसका जो पानी है ना, जब हमने इसमें पानी लगाना है तो वो पॉट में नीचे से निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए। इस तरीके से हमने इसको पानी लगाना है और अच्छे तरीके से इसको पानी लगाना है। इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये एयर प्योरीफायर प्लांट है, धूप जो है इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हल्का हमने इसको रोशनी में रखना है, जिसकी वजह से इसके जो है लीव्स हैं वो हरे भरे रहेंगे। अपने जब भी इस प्लांट को लगाना है तो अपनी इनडायरेक्ट सनलाइट में लगाना है, डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को नुकसान करती है। तो आपने जब भी इसको लगाना है इनडायरेक्ट सनलाइट में लगाना है, ये पौधा इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से ग्रो करता है। उसके लिए जो प्रोपेगेशन के बारे में बात की जाए, तो हम एक प्लांट लगाते हैं तो ऊपर से हम इसका स्टेम को हम काट देंगे। जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हमने मदर प्लांट लगाना है, हम उसके स्टेम को ऊपर से काट देंगे, जो है पहले साल में ही नीचे से काफ़ी ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकाल देगा, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा बेबी प्लांट निकलेंगे। अगर हम उसके स्टेम को ना भी काटेंगे तब भी वो प्रोपेगेशन करेगा, नीचे से काफ़ी ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकालेगा, उनसे हम उनको हम अलग करके न्यू पॉट्स में लगा के हम इसकी प्रोपेगेशन करेंगे। इसके अलावा इसकी प्रोपेगेशन जो है बीज से भी होती है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है, सेफ़ और अच्छा जो तरीका है इसका, वो यही है कि जो इसका पहले वाला पौधा है, मदर प्लांट जो होता है, जो हम पहले सबसे पहले हम लेके आते हैं, उसमें ही इसके बेबी प्लांट्स जो हैं ग्रो होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में भी आपको नज़र आ रहे होंगे, पौधों के साथ जो इस पौधे के साथ जो है ना, इसके बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं नीचे से। तो ये जिस पॉट में लगाया है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेबी प्लांट्स की वजह से ये पॉट फुल भर गया है, तो हम इसको जो है ना प्रोपेगेट इसी तरह करेंगे। इस एक पॉट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्लांट्स हो जाए ना, पैदा हो जाए, या बेबी प्लांट काफ़ी ज़्यादा निकले और अच्छे से ग्रो कर रहे हो, तो फिर हमने इस पौधे को पॉट से निकालना है, इस पर बेबी प्लांट को अलहदा मुख्तलिफ पॉट्स में लगाना है, ठीक है। उनके लिए फिर हम प्रोपिगेट करने के लिए उनको जो है हमने अलग-अलग पॉट्स में लगाना है, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। फिर जो है हमारे बेबी प्लांट्स हैं ये दूसरे पॉट में जब गाएंगे तो ये भी जो है ना बेबी प्लांट पैदा करेंगे, तो इस तरीके से इसकी प्रोपिगेशन होती है और ये अच्छे से ग्रो करता है। एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप इस पौधे को रोशनी में नहीं रखेंगे, मतलब इसको प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी, इसकी स्टेम बिल्कुल बढ़ जाएंगी, लंबी लंबी स्टेम हो जाएंगी, ये बुशी नहीं रहेगा। आपको अगर अपना पौधा बुशी चाहिए तो तब आपने इसको लाइट में रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसको प्रॉपर लाइट पड़ती रहे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आए, इनडायरेक्ट इसके ऊपर सनलाइट आप जो है डाल सकते हैं। इनडायरेक्ट जो है सनलाइट वो इस पौधे को ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को अच्छी नहीं लगती, वो इसको पसंद नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने अपने पौधे के स्टेम को कभी नहीं काटना, इस प्लांट के स्टेम को हम कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि ये जो है ऊपर से ग्रो नहीं करता, ये जब भी निकलता है नीचे से बेबी प्लांट निकलता है और इनके ज़रिए ग्रो होता है। इसके स्टेम में जो है ग्रोइंग नहीं है, ऊपर से जब बढ़ रहा है ये पौधा तो ऊपर से ही ये ग्रो होता है, और अगर उसको ऊपर से काट दें तो ये पौधा ग्रो नहीं करता, ये ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने जब हमारा पौधा अगर ऊपर से सूख जाए तब हमने इसको थोड़ा नीचे से पॉट में थोड़ा सा छोड़ के हमने इसको कट करना है, तो जिसकी वजह से ये नीचे से बेबी प्लांट निकाल लेगा और फिर ये ग्रो हो दोबारा से होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में बात की जाए तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, इस प्लांट को साल में एक दफ़ा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। आप इसमें DAP डाल दें या डिकम्पोज गोबर खाद डाल दें, इन 1 ईयर आप कोई भी खाद डाल दें, एक साल में इसको एक दफ़ा आपने खाद डालनी है,
इसके अलावा आपने इसको खाद नहीं लगानी, मतलब फर्टिलाइज़ नहीं देना, ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा फर्टिलाइज़र की। इसके अलावा आपने इस पौधे को अगर अच्छे से ग्रो करना है, इसकी वाटरिंग का ख्याल रखना है, और उसके अलावा आपने लाइट का ख़ास ख्याल रखना है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।